यहाँ आप देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ला मॉडल एस कार का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपन एवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन एवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन एवी को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको पिन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एड ऑन में जाइए। उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद XCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ टेस्ला मॉडल्स का फोल्डर दिख रहा है ना, इस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक करने के बाद यहाँ रीडमी का एक टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स टेस्ला मॉडल्स आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक करने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, update.rpf कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक तेजी कराना है, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल नेम आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, MODELS। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो टेस्ला मॉडल एस कार आ गई है। यहाँ देख सकते हो यहाँ देख सकते हो कार आ गई है। हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। ओ भाई साहब, टेस्ला का लोगो, मॉडल एस की बैजिंग, P90D की बैजिंग, चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं। आप देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है।
यह एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसका साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। इसके हेडलाइट्स, मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब, ये आप देख सकते हो उस कार का इंटीरियर। इस कार के स्पॉइलर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। इस कार के फ्रंट बम्पर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। इस कार के रियर बम्पर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के स्किड्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के चेसिस को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस कार के फेंडर्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। मैंने इस कार के सब डोर्स को ओपन कर दिया है, ये आप देख सकते हो। चलो अब मैं इस कार के सब डोर्स को क्लोज कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नाइट का लुक देख लेते हैं, ये आप देख सकते हो इस कार का नाइट का लुक। ओ भाई साहब, इसके हेडलाइट्स आप देख सकते हो, इसके डीआरएल्स आप देख सकते हो, इसके इंडिकेटर्स। चलो अब हम इस कार की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। वन थर्टी, 140, 150, 158, 160, 162, 163। ब्रेक्स, ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।